एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसे स्वयं प्रभु श्री राम ने किया था स्थापित। आइए जानते हैं इसके पीछे के छुपे कुछ गहरे राज और इसको बनाने की असली वजह क्या थी। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही खास नोटिफिकेशंस जो हमारी लेटेस्ट वीडियो से जुड़ी हों आप तक पहुंच सके। दोस्तों, श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इसे चार धाम की यात्रा में से एक स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, किंवदंतियों के अनुसार भगवान राम भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे, जिन्होंने यहाँ अपनी पत्नी सीता को रावण के चुंगुल से बचाने के लिए यहाँ से श्रीलंका तक के लिए एक पुल का निर्माण किया था। जी हाँ, राम सेतु पुल का निर्माण। और वास्तव में रामेश्वरम का अर्थ होता है भगवान राम, और इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर ही इस स्थान का नाम रखा गया है। यहाँ स्थित प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान राम को समर्पित है। मान्यताएं हैं कि भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वर की है। रामेश्वर चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंदू महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है और एक समुद्र शंख आकार के द्वीप में है। बहुत पहले ये द्वीप भारत के मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की नहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थरों से एक सेतु का निर्माण करवाया, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां पर विजय पाई। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि खास तौर पर यह मंदिर शायद 1000 ईसा पूर्व में बनाया गया हो, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह 1450 ईसा पूर्व में बनाया गया था। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये अभी भी किसी को नहीं पता, क्योंकि कई बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है। यानी कि यह मंदिर कई बार चक्रवात की वजह से टूट चुका है और उसके बाद दोबारा इस मंदिर को कई बार बनाया गया है। लेकिन इस मंदिर के बनने के पीछे की वजह सिर्फ एक ही है। भगवान श्री राम चाहते थे कि वह शिव जी की पूजा एक बार जरूर करें और शिवलिंग यहाँ पर अवश्य बनाए, ताकि यह पुख्ता हो सके कि भगवान श्री राम यहाँ तक पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नी यानी सीता माता को बचाने के लिए इस खास तौर पर वह भगवान जी का आशीर्वाद देना चाहते थे। भगवान श्री राम ने भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए वहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया और उसी शिवलिंग को स्थापित करते वक्त उसे नाम दिया गया रामेश्वर, जिसके बाद से यह खास शिवलिंग एक खास प्रसिद्ध मंदिर में बदल दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी है वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।